टार्पिन ऑफ लेंथ 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस 6 मीटर, एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इज कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टार्पिन यूज्ड। ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन, कोई भी मतलब शीट कह दो, आप मार्केट से एक शीट खरीद के लाए जिसको उसने टार्पिन का नेम दे दिया यहाँ पे। शीट जो है क्योंकि इज टॉकिंग अबाउट वाइड एंड विड्थ एक्सेट्रा लेंथ एक्सेट्रा, लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर रहा है शीट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि शीट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। इस रेक्टेंगुलर शेप्ड जो शीट है इसकी हमारे पास विड्थ दी हुई है 3 मीटर एंड वी वॉन्ट टू फाइंड। ये शीट आप लेके आए मार्केट से और आपने इस शीट को कन्वर्ट कर दिया एक कोन में, ऐसा कोन जिसकी हाइट 8 मीटर है एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 मीटर, हाइट इज 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 मीटर। इस टार्पिन को आपने इस कोन में कन्वर्ट किया है। नेचुरली जब हम किसी भी चीज को फोल्ड करके कोन बनाते हैं तो कोन में हमेशा उसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रोल है, उसके यू कैन से टोटल सरफेस एरिया का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोन में हम नीचे वाला जो हिस्सा है उसको ओपन रखते हैं। यू कैन सी आइसक्रीम कोन, यू कैन सी जोकर्स कैप ऑलवेज ओपन, बर्थडे कैप इवन ऑलवेज ओपन, क्योंकि डालनी होती क्या। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि आखिर इसको बनाने में कितना हमें मटेरियल चाहिए होगा। उसके लिए वी नीड एल, रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर इज दिस, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, एल की वैल्यू 10 है। Slant height of the cone, it comes out to be 10 by using the relation between L, H and R. Material required to make the cone is equal to curved surface area, that is pi r l. Pi की वैल्यू दी हुई है, 188.4 is the material that is needed to make the cone. अब वो याद होगा आपको, पीछे हमने सिलेंडर वाला एक क्वेश्चन किया था जिसमें मार्जिन के लिए हाइट ऊपर नीचे मोड़ने के लिए दी होती थी, तो उसमें मैंने पहले एच में एड कर दिया था, पर क्योंकि इसमें हाइट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसलिए जो मार्जिन वाली लेंथ है वो अभी मैंने एड नहीं की, मैं उसके बारे में भी सोच भी नहीं रही। ये कोन के लिए बनाने के लिए मुझे इतना टार्पिन, इतना जो भी क्लोथ है मटीरियल है वो चाहिए होगा। अब देखना जरा, अगर हम एक पेज ऑफ पेपर, एक देना पेज जरा मुझे, पेपर पेज ऑफ पेपर देना, पेज दे फाड़ के देंगे, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैंने फाड़ना नहीं, मैंने ऐसे वापस कर देना। मान लो
ये पेज और पेपर है हमारा एक रेक्टेंगल की शेप में, अगर इसी पेज और पेपर को किसी तरह से हम कोन में, तो कोन बन नहीं रहा, हम सिलेंडर में कर देते हैं, सिलेंडर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं ऐसे घुमा के, सिलेंडर में अगर हम कन्वर्ट कर दें, तो इस पेपर का जो एरिया फोल्ड हुआ है वही सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये टारपिन मार्केट से लेके आए हैं और इस टारपिन को हमने कन्वर्ट कर दिया कोन में, तो इसका मतलब एरिया ऑफ द टारपिन इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एग्री। नाउ एरिया ऑफ टारपिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ टारपिन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो जो टारपिन का एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के इक्वल है। तो टारपिन आपके सामने है, रेक्टेंगुलर है, लेंथ इनटू ब्रेथ 188.4, लेंथ हम फाइंड करना चाहते हैं, ब्रेथ इज 3। सो एल इज इक्वल टू 188.4 ओवर 3, आई थिंक मीटर्स में, एक मिनट। दिस कम्स आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ मीटर्स बिकॉज डायमेंशन आर इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ये लेंथ आई, पर कुछ लेंथ को हमने ऊपर नीचे जो है वो मोड़ा भी तो है, इसी टारपिन में से निकली होगी वो लेंथ, तो प्लीज, तो हम एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए जो 20 सेंटीमीटर मोड़ने में लगी है अप्रोक्सीमेटली वेस्टेज और मार्जिन में, उसको ऐड करेंगे। सो एक्चुअल लेंथ 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर 62.8 प्लस 0.2 आंसर इज 63 मीटर। ठीक होगी बात। सेवेंथ क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। एक कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के जोकर कैप का, 10 कैप्स का निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अस स्टार्ट विद 8th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाई यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कॉन हैज द डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज 1 मीटर। कॉस्ट आगे मीटर स्क्वेयर में पूछा हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। रेडियस इज 0.2 मीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। फिर कॉपी तो कर रहे हो, हमें छोड़ दो जगह पे। यस, ईच कोन हैज अ डायमीटर से रेडियस हो गया, रेडियस मीटर में कन्वर्ट होगी बिकॉज हाइट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। If the outer side of each of the cone is to be painted, find the cost at the rate of 12 per meter square. Naturally, cone की अगर आप outer side ही paint कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके curved surface area को ही paint कर रहे हो। कितने cones हैं ऐसे? 50. तो सबसे पहले एक cone का write down. Area to be painted. Oh sorry, R है 0.2, H है 1. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको स्लांट हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए
आपको एल चाहिए वो निकालना पड़ेगा, रिलेशन लगाओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, वन प्लस 0.04, 1.04. So L is equal to square root of 1.04. Otherwise, you know the method of finding out the square root by in 8th standard you have learned. But otherwise, it is given over here. 1.02. It is 1.02. ठीक है, अब एरिया टू बी पेंटेड फॉर वन कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, एक कोन को जितना पेंट किया जाना है वो उसका कवर्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल है। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है 3.14, R is the radius 0.2, L is the slant height 1.02, multiply. कटिंग का अच्छा पॉइंट हटा के चलो 50 कल कर लो, ऐसे कर दो। एरिया टू बी पेंटेड फॉर वन कोन इज दिस, देयरफॉर एरिया टू बी पेंटेड फॉर 50 कोन्स बस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इनटू 3.14 इनटू 0.2 इनटू 1.02, ये बना 50 इनटू 314 ओवर 100, 2 ओवर 10, 102 ओवर 100, 52 सा 100, 2 गेट कैंसिल्ड, नीचे जीरोस रहने दो, अब नीचे मत कटिंग करना, डेसिमल लगा लेंगे सीधा, 314 को 102 से मल्टीप्लाई करो, आई थिंक इट विल बी 32028 ओवर 1000, that is 32.028। अभी भी आवाज आई जा रही है धीरे धीरे बोलने की, पहले देखो इतनी कैलकुलेशन ठीक है हमारी, इतना आ रहा है सबका, कॉस्ट तो दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 12 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज 12, देयरफॉर कॉस्ट फॉर 12 मीटर स्क्वायर 32.028 मीटर स्क्वायर, 32.028 मल्टीप्लाई 12 रुपीस, आंसर विल बी इन रुपीस। इसी के साथ ही कोन का अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है, अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट दैट इज स्फीयर 384, मैम एप्रोक्सीमेटली 3.38, आप बोलो आंसर 384.34 आएगा, वैसे अप्रोक्स इसका 334 ही बनेगा, ये पॉइंटों में 34 पैसे कौन देगा, है ना, वही बनेगा, बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, अगर एमसीक्यू में आया तो ऑप्शन। हाँ जी बेटे, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ 3D फिगर दैट इज स्फीयर।
पता नहीं कौन बातें कर रहा है, इधर से आवाज आ रही है। मैंने आपसे कहा बोले, यस स्फीयर की अगर हम बात करें, बेटे जब तक चुप नहीं करोगे तो शुरू नहीं होगा स्फीयर का चैप्टर। सिट प्रॉपरली। थ्री डी शेप है, हमें सबको पता है कि दिस इज हैविंग थ्री डी शेप। स्फीयर का एक ही फेस होता है, जैसे आप अर्थ का एग्जांपल ले लो, अर्थ में सारी तरफ से आपको एक ही कर्व नजर आ रहा है, कहीं पे जाके कोई एज नहीं है जो जुड़े मिले और दूसरा फेस बने, ऑल साइड सिंगल फेस इज देयर। अब जब जिसका फेस ही एक है, कर्व्ड सरफेस एरिया तब बनता है जब फेसेस डिवाइड हो जाते हैं और साइड का फेस हमें अलग से नजर आना शुरू होता है, ओनली देन वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया। बट क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पूरा फेस नजर आ रहा है, इसका मतलब साइड वाला हिस्सा अलग से कोई फेस नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए स्फीयर के केस में वी विल नॉट डू द कॉन्सेप्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, वी विल टॉक ओनली अबाउट इट्स टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कहीं आएगा ही नहीं, टोटल सरफेस एरिया होगा। अच्छा एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, ऐसा माना जाता है, वैसे आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कि एक सर्कल अगर हमारे पास हो रेडियस आर का, एक मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं, अभी तो क्वेश्चंस पे आए नहीं, एक सर्कल अगर हमारे पास रेडियस आर का गिवन हो, और स्फीयर भी उसी रेडियस का हो, स्फीयर भी उसी रेडियस का हो, जब आप इस स्फीयर को किसी थ्रेड की हेल्प से पूरा इसका सरफेस अगर कवर करना चाहते हो, आप इसको कवर करते जाओ, थ्रेड लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, सारे स्फीयर पे आपने थ्रेड लपेट दिया, अब उस थ्रेड को निकाल लो, उतार लो, मतलब कि स्फीयर के ऊपर से वो वाला थ्रेड जो आपने लपेटा उसको उतार लो। ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ऐसी एक्टिविटी है जो हमें ये बताती है कि जो थ्रेड आप स्फीयर से उतार के रखा है ना आपने, उस थ्रेड से आप ऐसे ही सेम रेडियस वाले चार सर्कल्स को कवर कर पाओगे। जो थ्रेड जितना थ्रेड आपको पूरे स्फीयर के सरफेस को कवर करने में लगा, उतना थ्रेड आप चार सर्कल्स के आसपास लपेट पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये चार सर्कल्स के एरियाज के बराबर होता है, दैट इज 4π r2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लक्स सिट प्रॉपरली, मैं लिखना ना फिर को, हाँ जी आप ही सीधे हो जाओ। बेटे स्फीयर की बात कर रही हूँ मैं, हेमिस्फीयर की नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिस इज इक्वल टू 4π r2। पूछ लिया टाइम, यस इसी तरह से स्फीयर के केस में मैंने आपको बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि इसका एक ही फेस होता है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में विल नॉट टॉक अबाउट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। Volume of sphere, this is equal to 4 by 3
पाई आर क्यूब। हर्षी सामने वाले बेंच पे चले चले जाओ, फिर भी बुक लेके आया करो। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4π3πr³। Now the coming exercise, this is based on the two figures. Now I am going to discuss the hemisphere. Hemisphere. अभी बताती हूँ. You just take a spherical lemon. Just do its two parts, half parts. You will get two hemispheres. दोनों को जग में निचोड़ो, नींबू पानी बनाओ और पियो. ठीक है? एक नींबू को, लेमन को जब आपने सेंटर में से काटा, you will get two hemispheres. That is the shape of the hemisphere. Imagine? Okay. Yes. अभी भी आप लोगों की दोनों की बातें नहीं बंद हो रही. These two boys. सेंटर रेडियस, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। अब जब आपने यू हैव डन हाफ ऑफ टू हाफ ऑफ लेमन, यू सी वन ऑफ द हाफ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द इन द शेप ऑफ द हेमिस्फीयर। उस केस में आप वेरी वेल इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास उस लेमन के आपको दो फेसेस नजर आ रहे हैं। एक तो बाहर छतरी सी येलो कलर की जो आपको दिख रही है, दिस इज वन ऑफ द फेस। दूसरा जहां पे ऐसे ऐसे नींबू के, सीधा करो उसको, जो नींबू के जो दाने दाने से धागे धागे से हैं, वो सर्कुलर फेस है। ऊपर टोपा, नीचे सर्कुलर फेस, दो फेसेस हो गए। तो इसका मतलब हेमिस्फीयर के केस में हम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के। पूरा नींबू था जब, तो वो एक स्फीयर था। जब लेमन पूरा था तब वो एक स्फीयर था, 4πr² था। जब आधा कट गया कितना रह गया? 2πr² कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेटे और फिर वेंटिलेशन नहीं होती। यस, लेट अस टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो उसमें एक तो ऊपर वाला कर्व्ड, जिसका की फॉर्मूला में ऑलरेडी आता है 2πr², प्लस वो जो आपको नींबू के धागे धागे से ऊपर दिख रहे हैं सर्कल की शेप में, सर्कल का एरिया πr², दिस कम्स आउट टू बी 3πr² अगर स्फीयर का वॉल्यूम 4π3πr³ हेमिस्फीयर उसका हाफ है तो उसका वॉल्यूम 2π3πr³। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का 2π3πr³ होता है तो हेमिस्फीयर का 2π3πr³। बेटे नो टॉकिंग, ये 4π3πr³ है स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का 2π3πr³। क्यों बेटे क्यों? वॉल्यूम इज ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट। तो फॉर्मूले बदल जाएंगे। यस लिसन, उसका 3π r²
उसका इसका कर्व 2πr² है, उसका है ही नहीं। एक मिनट, याद कैसे रखना है, लिसन। स्फीयर का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr² हेमिस्फीयर उससे छोटा है इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया सबसे छोटा 2πr² 4 3 2 सीक्वेंस में याद रखो। इसका वॉल्यूम 4/3πr³ स्फीयर का एंड हेमिस्फीयर इज हैविंग द वॉल्यूम 2/3π। आप लोगों ने कभी सोचा, लिसन, अगर हम बात करें प्रीवियस क्लासेस में हमने सर्कल्स का कॉन्सेप्ट किया है ना, हम करते थे सर्कल, सर्कल का एरिया πr² एंड देन फ्रॉम सर्कल वी शिफ्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का जब हाफ किया तो वो क्या बन गया, सेमी सर्कल। इफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज πr², देन एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इज हाफ πr². कुछ बच्चे इस चीज को लिखने में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, दैट इफ वी आर हैविंग अ स्फीयर तो उसका जो हाफ है, स्फीयर का हाफ, सेकंड बेंच की पॉइंट, स्फीयर का जो हाफ है विल नॉट एड्रेस इट एज अ सेमी स्फीयर, विल कॉल इट टू बी हेमी स्फीयर। सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। स्फीयर का हाफ हेमी स्फीयर, नॉट सेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं हाँ हेमी स्फीयर, जैसे सेमी स्फीयर तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे हम किसी मार्केट पे किसी शॉप पे स्फीयर खरीदने जाएं तो ये कहते हैं कि ये स्फीरिकल बॉल है, इसके जैसे ये छोटी है कहते हैं सेमी स्फीरिकल बॉल है, मतलब उससे छोटी है, पर अगर हाफ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर। सर्कल के केस में हाफ सेमी सर्कल होता है, पर स्फीयर के केस में हाफ हेमी स्फीयर होता है। सेमी स्फीयर मत बोल देना, हेमी स्फीयर। कब होना है, आईपीएल का चल गया, हो गया, ये भी होना है। चलो एनी हाउ एक्सरसाइज 13.4 लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.4 हेमिस्फीयर का बोल लू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, आपने उसका सरफेस एरिया, अब कभी भी सरफेस एरिया लिखा हो ना, यू विल ट्रीट इट एज टोटल सरफेस एरिया 4πr². r² मींस r को कितनी बार लिखो, दो बार, सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर 4πr² 13 cm². 1 3 8 6 7 Rest of the parts you will do yourself. हाँ जी, second question. Diameter of the square is 21 cm. Second part I am taking. Diameter of the sphere is 21 cm. Find its total surface area. Radius 10.5. हाँ वैसे कट जाना था, ऐसे रहने दो, 21/2 ही ले लो। So total surface area is 4πr² 4 × 22/7 r² 4 × 7 3 = This is 66 × 21. सेम सेम आ रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक। थर्ड क्वेश्चन, होमवर्क, रेस्ट पार्ट्स आर होमवर्क, व्हाट एवर आई एम लीविंग अपने आप करने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज टू बी फाइंड आउट।
their radius is 10 centimeter. We want to find total surface area. टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है 3πr² अभी किया हमने 3πr² कितनी दी हुई है 3.14 ओ सॉरी We'll continue tomorrow.